हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे चुटकियों में ऐसे जोड़ें राशन कार्ड में नया नाम। तो दोस्तों, चुटकियों में ऐसे जोड़ें राशन कार्ड में नया नाम। अगर आप भी राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आप लोगों को इस काम के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इस काम को पूरा कर सकेंगे। हालांकि अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस से इस काम को करते हैं तो आपको काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए आज आप लोगों को राशन कार्ड में नया सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस बताएंगे, जिसकी मदद से आप महज कुछ ही मिनटों में नाम जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अब घर बैठे अपना राशन कार्ड में किसी भी नए मेंबर का नाम जोड़ सकते हैं। राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी मशक्क़त के। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। वैसे तो खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से नाम हटाने और जोड़ने दोनों की सुविधा प्रदान की है। आप निर्धारित आवेदन फार्म को भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करके नाम जुड़वा सकते हैं या फिर हटवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्ड धारकों के पास इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में आज हम आपको ऑनलाइन तरीका बताने जा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल राशन कार्ड, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आईडी प्रूफ, परिवार वधु का नाम जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट में शादी का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, पति का मूल राशन कार्ड, माता पिता के राशन कार्ड से नाम जोड़ने का प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड। इस माध्यम से ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने राज्य की आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। अगर आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें। अब परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें जानकारी भर दीजिए। राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या शादी का निमंत्रण कार्ड की जरूरत होती है। वेबसाइट में डॉक्यूमेंट की पूरी सूची दी हुई होती है, वहां से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट क्लिक करके सेंड कर दें। इसके बाद आपको एक पावती नंबर मिलेगा, जिससे कि आप अपने आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं। एक महीने के बाद डाक से ऑप्शन आपका राशन कार्ड घर पहुंचा दिया जाता है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया से इस माध्यम से बनाए जाते हैं राशन कार्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।